जी हाँ, ऋषि सोनम जी को हुआ है अपनी गलती के साथ यूके के प्राइम मिनिस्टर को फेस करनी पड़ी क्रिटिसिज्म, बिकॉज यूके में जनवरी 2024 में बहुत सारे बच्चे कम स्टडी वीज़ा पर आए थे, क्योंकि आपको पता है यूके ने बंद कर दिया था डिपेंडेंट वीज़ा, जहां पर अपने बच्चे, अपने हस्बैंड और वाइफ और बच्चों को जनवरी 1, 2024 से यहां पर लेकर नहीं आ सकते। इस कारण यूके ने बंद कर दिया डिपेंडेंट वीज़ा। इस कारण आज आपको गुड न्यूज़ दूंगा कि यूके की यूनिवर्सिटी में बच्चे जा नहीं रहे, और उन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना कम कर दिया स्टडी वीज़ा देने के लिए कि आप सो भी सक सकते हैं। इसके लिए आज आपको छोटे बच्चे की तरह वो न्यूज़ दूंगा जिस न्यूज़ ने ऋषि सोनम जी को ट्रे में खड़ा कर दिया और सोचे मजबूर कर दिया क्या उन्होंने डिसीजन सही लिया था स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा को बंद करने के लिए, और इवन कि उन्होंने केयर वर्कर वीज़ा को भी बंद करने जा रहे हैं डिपेंडेंट। देखिए कितनी बड़ी कंट्री है, कह रही हमारे लोग की आकर सेवा करो एज ए केयर वर्कर, पर आप अपने परिवार को नहीं लेकर स्प्रिंग 2024 से। इस पर डिस्कशन डिटेल में, पर गाइस जो आदमी वीडियो देखो के लाइक और कमेंट करेगा वो चलेगा मेरे साथ फिनलैंड लग्जमबर्ग फ्री, और मैं दूंगा आपको फ्री टिकट, रहना, खाना पीना, और सारा खर्चा होगा मेरी जेब से। वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैटी पर दिल से स्वागत है। आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है यूके यूनिवर्सिटी रिस्क फॉलिंग इनटू डिफीट एज फोनस वन नंबर फेल्स, गवर्नमेंट रेट्रो थ्रेट इनरोलमेंट दैट हेल्प्स फंड इंस्टीट्यूशन वॉर्न्स सेक्टर बॉडी। लार्ज नंबर ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज आर एट रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू फाइनेंशियल डिफ्लेक्ट ड्यू टू शार्प डिक्लाइन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आफ्टर होस्टाइल बाय ऋषि सोनम गवर्नमेंट द हेड ऑफ सेक्टर मेन लॉबी ग्रुप एज वॉन। जैसे ऋषि ने बनाया था रूल कि आप लोग बच्चे अपनी बीवी और बच्चों को नहीं लेकर आ सकते, जनवरी 2024 में यूके की यूनिवर्सिटीज खाली पड़ी है, यहाँ पर कोई बच्चा स्टडी करने नहीं आएगा। बताइए कौन आदमी जिसकी शादी हुई है नहीं या जिसके बीवी बच्चे हैं कौन अपना 20 लाख लगा खर्च कर आएगा? बिकॉज क्या होता पहले यूके में 2022-23 में अगर वाइफ स्टडी करने आती थी वो तो 20 घंटे काम करती थी, जो देसी बंदा हस्बैंड था वो फुल टाइम काम करता, जी हाँ उसके पास ओपन वर्क मिलता था। इवन कि जब उसकी वाइफ स्टडी करती थी 1-1.5 साल वो प्लस 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क, मतलब एक तरह से एक लड़के के पास 3-4 साल का ओपन वर्क परमिट था, जहाँ पर वो किसी वेयर हाउस में काम करे चाहे बड़ी कंपनी में काम करे, उसको कुछ इंग्लिश टेस्ट या जॉब नहीं देनी होती थी। मैं बहुत ही खुश था, और इसके कारण नेट माइग्रेशन बहुत बड़ी है, मैं इस बात को मानता हूँ, और ऋषि सोनम जी की बात से एग्री भी करूँगा कि नेट माइग्रेशन यूके में बहुत बड़ी थी, इसे रूल टाइट है, पर उन्होंने गलत जगह पर रूल टाइट स्टूडेंट्स पर किए, बिकॉज स्टूडेंट्स से बहुत सारा पैसा लेकर आते हैं और यूके इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, पर अब कोई भी बच्चा यूके वो नहीं आएगा जिसकी बीवी बच्चे हैं, वो क्या जाएगा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप में। तो यूके को फेस करने पड़ा है बहुत सारा स्टूडेंट डिक्लाइन में। आगे पढ़ते हैं न्यूज़, द चीफ एग्जीक्यूटिव यूनिवर्सिटी यूके विच रिप्रेजेंट मोर देन 140 यूनिवर्सिटी सेड द सेक्टर वाज फेसिंग द प्रॉस्पेक्ट ऑफ सीरियस ओवर करेक्शन थैंक्स टू इमिग्रेशन पॉलिसी दैट डिटर्ड इंटरेस्टेड फ्रॉम कमिंग टू स्टडी इन ब्रिटेन। If they wanted to cool things down, that's a one thing, but it seems to me that through a combination of rhetoric which is off putting and policy changes have really turned a whole bunch of people off that would otherwise have come to UK, Stern told the Financial Times. ये क्रेडिकल फाइनेंशियल टाइम्स कंपनी को जाता है, वो ये कह रहा है कि यूके ने खुद अपने हाथों से अपना गला घोटा है बच्चों को यूके में स्टडी ना करने के लिए, बिकॉज यूके ने बंद कर दिया डिपेंडेंट वीज़ा, हाँ बच्चे यूके में स्टडी करने नहीं आ रहे। अगर आप सिंगल हो आपको यूके आना चाहिए, बिकॉज यूके देते हैं आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आफ्टर कंप्लीट ऑफ स्टडी, पर अगर आप शादीशुदा हो कौन आदमी यहाँ पर आएगा और 20 घंटे वाला लोन पेगा? कोई नहीं आता है, हर आदमी अपनी बीवी के साथ ही आएगा। विद द 9,250 डोमेस्टिक ट्यूशन फीस फ्रोजन फॉर द पास्ट डेकेड, 10 साल से हो रहा था, यूके यूनिवर्सिटी हैव बिकम इंक्रीजिंग रिलायंट ऑन नॉन ईयू स्टूडेंट्स टू मेक एंड्स मीट विद अ फीस फ्रॉम नॉन यूनिवर्सिटी नॉ अकाउंटिंग फॉर नियरली 20% ऑफ सेक्टर इनकम। 20% इनकम यहाँ पर आती थी, यहाँ पर आपको चार्ट भी दिखाया जाता है 1995 से लेकर कैसे इंक्रीज हुई है 20% रेवेन्यू, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और इन्होंने ये भी आगे जाकर ये कहा था कि जो यूके यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो 71 बिलियन यूके यूनिवर्सिटीज़ का पैसा जनरेट होता है हर साल इकोनॉमी में, आपको यहाँ पर जब बच्चे आते हैं, मतलब कि यूके एक बहुत बड़ा डिपेंड था नॉन इंडियन पाकिस्तान पर, और दो बड़ी कंट्री नाइजीरिया और इंडिया सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ जनरेट करती थी, पर यूके ने डिपेंडेंट वीज़ा बंद कर दिया। पर डरिए मत, आपके अभी भी 3 और 4 ऑप्शन है, अगर आपको यूके आना है आप चैरिटी वर्कर वीज़ा पर आ सकते हैं, 1 साल का मिलता है जिसकी वीज़ा कॉस्ट मात्र 25,000 रुपये है और 3 वीक को लग जाता है, और अगर आपको यूके आना है आप यूथ मिलिटी वीज़ा पर आ सकते हैं अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो, जहाँ पर ना तो आपको इंग्लिश टेस्ट देना है ना जॉब ऑफर ना एक्सपीरियंस, और वो लॉटरी वर्क वीज़ा अभी निकल जा रहा है 2 वीक में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं TO2 जॉब ढूंढने में, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है मेरे पास, वो 19 एक्सपीरियंस एज ए प्रोजेक्ट में मैं बच्चों का सही बुलाता और उनको इंटरव्यू आती है स्क्रीन पर दिखाया भी जा रहा है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर 1,000 रुपये करके मेरे से बात कर सकते हैं करियर गाइडेंस के लिए, पर ना मैं कोई वकील हूँ ना कोई एजेंट हूँ।
इसके अलावा रिलीजियस वर्कर वीज़ा है, अगर आप धार्मिक हो, पार्टी हो, मंदिर पाठ करते हो, चाहे आप मुस्लिम हो, आपको 2 साल का रिलीजियस वर्कर वीज़ा मिलेगा, जहाँ पर आपके बीवी बच्चे आपके साथ आ सकते हैं। और इवन कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, 2 बच्चों को जॉब मिली सीजनल वर्कर वीज़ा 6 मंथ के लिए, जहाँ पर आप खेती बाड़ी का वीज़ा लगा कर भी आ सकते हैं। वीज़ा बहुत सारे हैं गरीब डिपेंडर पर मेनली जो स्टूडेंट पर डिपेंडर आ रहे थे वो बंद हुआ है, बाकी डिपेंडर अभी भी खुले हैं। बाकी कोई भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जॉब करनी है, चाहे हेल्थ केयर में करनी, आप मेरे पास सीवी करके आ सकते हैं। पर गाइस ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अब गवर्नमेंट पता लग गया कि आपने रूल टाइट किए हैं, अब कॉमन मैन की आवाज़ भी उठ गई है, वो कह रहे हैं हम यूके नहीं आएंगे बिकॉज हम बी बच्चे के साथ नहीं, आप हमसे काम करवाते हो। मैं खुद यूके माइग्रेंट 2024 में हुआ था और मैंने 5 घर बनाए और मैं कितना टैक्स पे किया, मैं भी माइग्रेंट हूँ आपकी तरह। तो यूके ये भूल गया है कि माइग्रेंट यहाँ पर बहुत सारा पैसा लेकर आता है, टैक्स पे करता है, घर का रेंट पे करता है, फूड पे करता है और जॉब पर जाता है और यहाँ की ग्रोथ बढ़ाता है। पर ऋषि सोनक जी ने रूल टाइट गलत किए स्टूडेंट पर, अब डिपेंडेंट वीज़ा बंद करने के बाद यूके जनवरी में ये हाल है, सितंबर 2024 में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। अगर खुदा ना खासा अगर इन्होंने पोस्ट स्टडी वगैरह बंद कर दिया तो यूके में कोई भी नहीं आएगा जिसकी गारंटी में लेता, बिकॉज कौन आएगा जहाँ पर स्टडी के बाद आपका 2 साल है ही नहीं जॉब ढूंढने के लिए, फिर बच्चे कहाँ जाएंगे, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और न्यूजीलैंड। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर बात करनी चाहते हो 1 कमेंट फ्री जो करेगा आपको फ्री में से बात की जाएगी। बाकी ऑन द मेन टाइम आप जहाँ रहें सदा खुश रहें।